गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन जो है सो ग्रामर का सेशन है, यानी कि आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के इस सेशन में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि ग्रामर के अनेकों चैप्टर्स हैं, हालांकि कुछ चैप्टर्स को मैंने डील किया है और आने वाले समय में बाकी चैप्टर्स को भी मैं डील करूँगा, लेकिन आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये चैप्टर कोई शक नहीं छोटा है, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका कंसेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग 100% क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तत्काल तो आपके मन में एक सवाल अभी उठ रहा होगा कि चैप्टर का क्या नाम है, तो मैं इस पर से पर्दा उठाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। आज जिस चैप्टर पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है डिग्री ऑफ कंपेरिजन। एक सवाल और आपके मन में होगा कि यह किस टाइप का चैप्टर है, तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। फिर एक सवाल उठेगा, ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन शब्द को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, यानी फॉर्म को ट्रांसफर जो किया जाता है उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर ट्रांस करेंगे फॉर्म को, फॉर्म को चेंज करेंगे। भाई फॉर्म को चेंज करने का मतलब क्या हो गया? तो एक्चुअली होता क्या है कि डिग्री के तीन टाइप होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमें क्या करना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव आपस में इंटरचेंज करना है। चूंकि कंपैरिजन ऑफ डिग्री चैप्टर का नाम है, आप इसको इंटरचेंज ऑफ डिग्री के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में सबसे मूल बात जो आपको ध्यान में रखना वो यह कि जब भी आप इंटरचेंज करें या फिर जब भी आप ट्रांसफॉर्म करें तो मीनिंग जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है आपको। जैसे कि पहले वाला स्टेटमेंट रहता है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है, यानी आप जब ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो आपको जो सेंटेंस प्राप्त होता है दोनों के बीच का, दोनों का जो मीनिंग होता है वो बैलेंस होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। अगर आप मीनिंग को बैलेंस नहीं कर पाते, इसका मतलब आप सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर मीनिंग को बैलेंस करना। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना इधर उधर की बात किए हुए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज जिस टॉपिक पर हम लोग काम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपेरिजन। आप इसको डिग्री ऑफ कंपेरिजन के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको सीधे डिग्री भी बोल देते हैं, एक ही बात है, शॉर्ट में आप इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो एक और नाम है वह है इंटर चेंज ऑफ डिग्री, या आप इसको सीधे डिग्री के नाम से भी पुकारिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है। तो आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि डिग्री शब्द के कई मतलब होते हैं, लेकिन जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर डिग्री का कोई मतलब नहीं होता और ना ही हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। अब देखिए होता क्या है डिग्री के बारे में, सबसे पहले जान लीजिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। बचपन से आपको पढ़ाया गया है और बचपन से आप इस बात को जानते हैं कि डिग्री के तीन टाइप होते हैं। सबसे बड़ा सवाल कौन कौन, तो देख लीजिए एक बार मैं इसको लिख देता हूं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, आपको अच्छे से पता है। दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा जो होता है, थर्ड जो होता है वो होता है सुपरलेटिव। अच्छा, इस पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को आप A1, A2 और A3 के नाम से भी पुकार सकते हैं। आप या तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव करके पुकारिए या फिर आप A1, A2, A3 करके पुकारिए, बात एक ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है कि डिग्री होता किसका है, तो डिग्री या तो एडजेक्टिव का होता है या फिर एडवर्ब का होता है, लेकिन हर एडजेक्टिव और हर एडवर्ब का डिग्री नहीं होता है। हम जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे किस एडजेक्टिव का डिग्री होता है और किस एडजेक्टिव का डिग्री नहीं होता है, किस एडवर्ब का डिग्री होता है और किस एडवर्ब का डिग्री नहीं होता है। तत्काल डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री की बात करें या फिर डिग्री की बात करें, हम वैसे ही एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की बात करेंगे जिसका डिग्री होता है। अब इस चैप्टर में होगा क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है, हमारे पास अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है या फिर पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब होता है तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, इंटरचेंज करना सीखेंगे। कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से आपस में इंटरचेंज करना सीखना है। अब जैसे एक वर्ड में दिखलाता हूँ, एक शब्द है आपके सामने टॉल और एक शब्द है टॉलर,
और एक शब्द है टॉलेस्ट। ये जो टॉल होता है ये पॉजिटिव डिग्री है जिसको आप A1 के रूप में भी पुकारते हैं, ये जो टॉलर है ये क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री जिसको आप A2 के रूप में भी पुकारते हैं, और ये टॉलेस्ट होता है ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब ज्यादातर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप या तो ER या R का यूज करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। मैंने क्या बोला एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, ज्यादातर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को आप R और ER की मदद से उसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए टॉल है, टॉल में मैंने ER लगाया, टॉलर, फिर वहां पर ST लगा दिया, EST लगा दिया, ये बन गया क्या टॉलिस्ट बन गया। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमको R और ER का प्रयोग करना पड़ता है, टॉलिस्ट में आप देख रहे हैं मैंने क्या किया। उसी प्रकार एक शब्द देख लीजिए, एक शब्द था लेट, यहां पर होता है लेटर और फिर होता है लेटेस्ट, ठीक है आप देख सकते हैं लेट लेटर लेटेस्ट। यहां पर हमने क्या जोड़ा है, लेट तो पहले से ई है तो यहां पर आर जोड़ा है और लेटेस्ट सुपरलेटिव है। तो आप आसानी से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हो, यानी कि A1 को A2, A2 को A3 में ले जा सकते हो, आप देख रहे हैं प्रोसेस है। लेकिन हर जगह ये प्रोसेस काम नहीं आता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको याद करके रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे एक शब्द गुड, इसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर और इसका सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। एक शब्द और देख लीजिए, एक शब्द होता है बैड, एक शब्द इसका कंपैरेटिव होता है वर्स्ट और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है वर्स्ट। तो टॉल टॉलर टॉलेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, गुड बेटर बेस्ट और बैड वर्स्ट वर्स्ट, यानी ज्यादातर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के केस में आप इस सिंपल प्रोसेस से उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, जहां पर आप इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह से उसको बना लेते हैं। एक और मैटर है, ये देखिए मैंने क्या लिखा, सिलेबल। अच्छा, सिलेबल का मतलब क्या होता है जी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शब्द जो है सिलेबल से बने होते हैं। कोई शब्द एक सिलेबल से बने होते हैं, कोई शब्द दो सिलेबल से, कोई शब्द तीन सिलेबल से बने होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखलाता हूँ, जैसे एक शब्द होता है फैट। अब फैट शब्द का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको पता चलेगा फैट शब्द जो है एक सिलेबल से बना हुआ है। अच्छा, इसको जब हम कंपलेटिव में चेंज करते हैं तो इसको फैटर कर देते हैं, और इसको सुपलेटिव में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है फैटेस्ट। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी शब्द एक सिलेबल से बना रहता है, एक सिलेबल का होता है, आप इस तरह से उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर शब्द एक से ज्यादा सिलेबल का है, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए इन टेलीजेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंट का सिलेबल एक से ज्यादा, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट, यह शब्द जो है तीन सिलेबल से बना हुआ है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आपके पास जो वर्ड है और वर्ड का सिलेबल एक से ज्यादा है, तो वहां पर फिर आप इस तरह से इसको नहीं बना सकते, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे, तो ये बड़ा सिंपल होता है। इंटेलिजेंट है तो आप इसको लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, और फिर आप लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं इजिली हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ले जाते हैं। तो हमें जो है इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर कहने का मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलिए या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री बोलिए, हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही इंटरचेंज करना सीखेंगे या फिर एक दूसरे से कंपैरिजन करना सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं इसको रिकॉल कर देता हूं, आज जिस चैप्टर पर हम काम कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप इसको डिग्री के नाम से या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री के नाम से भी पुकारते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डिग्री शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां पर जब हम डिग्री शब्द के मीनिंग की बात करेंगे तो यहां पर डिग्री शब्द के मीनिंग की चर्चा नहीं करेंगे और इसके डेफिनेशन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री या फिर डिग्री चैप्टर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। बस ध्यान इस बात का रखना होता है कि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस होता है। यानी सेंटेंस को A1 से अगर हम A2 में, यानी डिग्री को अगर हम A1 से A2 में ले जाएंगे, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि पहले वाला स्टेटमेंट और जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है दोनों का मीनिंग क्या होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते इसका मतलब आपका जो इंटरचेंज का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मेन हम लोगों को कई सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, चूंकि कंप्लीट प्रैक्टिस का चैप्टर होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पर काम करेंगे, टेक्निक्स पर काम करेंगे, और थ्योरी टेक्निक से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस की बात होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर को बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे, और ये ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आपकी मदद करेगा, चाहे आपको इंग्लिश बोलना पड़े, इंग्लिश लिखना पड़े, कहीं भी आप इस चैप्टर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, आपको समस्या का सामना करना पड़ता है।
तो चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो एज यू नो दैट दिस टाइम वी आर स्टडिंग द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिग्री ऑफ कंपेरिजन और इंटरचेंज ऑफ डिग्री। एज यू नो दैट दिस चैप्टर कम्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एज वी नो दैट द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज। इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन द सेंटेंसेज मीन्स वी आर मेकिंग सम मिस्टेक्स। हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसी मिस्टेक्स से हमको क्या करना होता है, बचना होता है। ये टेक्निकल टॉपिक है, आप अगर टेक्निकली स्ट्रांग होते तो ये टॉपिक बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो काम करेंगे वो होगा इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपरेटिव। यानी अभी हम लोग जो है सो इंटरचेंज सीखने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, पॉजिटिव और कंपरेटिव के बीच में। यानी हमारा पॉजिटिव आएगा उसको हम लोग कंपरेटिव में ले जाएंगे, फिर कंपरेटिव आएगा कंपरेटिव से हम उसको पॉजिटिव में लाएंगे। अब देखिए होगा क्या, सो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, इट्स अ वेरी सेंटेंस, मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा सेंटेंस है आपके सामने, ही इज एज गुड एज राम, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस डिग्री का स्टेटमेंट है, मतलब कौन से डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब यहां पर यूज किया गया है। तो आप इस गुड से पकड़ लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, हम इसको कहां पर चेंज करके ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है और हम इसको चेंज करके कहां पर ले जाएंगे, कॉम्परेटिव में चेंज करके ले जाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे एज गुड एज है, यानी आपके पास एज प्लस यून प्लस एज आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास सो प्लस एवन प्लस एज आ जाए, तो आपको इतना समझ लेना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अब कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कैसे करेंगे इस बात को समझिए, चलिए इसको हम चेंज करके दिखलाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो सब्जेक्ट है उसका इंटरचेंज कर देना है, मतलब इधर वाला सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और इधर वाला सब्जेक्ट इधर चलाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, राम, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब हमारे पास पहले से अवेलेबल रहता है, हम उसी वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा इज एम आर का यूज करना है, तो जैसे ही के साथ इज लगा है और राम के साथ अगर वर्ब यूज करना पड़े तो किस वर्ब का यूज करेंगे, तो आप बताएंगे इज का, इसलिए मैंने यहाँ पर इज का यूज कर दिया। अब हमको चूंकि पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज करना है, तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज करते समय बस करना क्या है, देखिए ए टू प्लस देन का यूज कर देना है, किसका यूज कर देना है, ए टू प्लस देन का यूज कर देना है, ठीक है। तो राम इज, अच्छा एक और बात, अगर आपका रिमार्क, मैं रिमार्क को यहां पर लिख देता हूं, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है, तो चेंज करने वक्त हम उसको नेगेटिव बना देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। देखिए इस बात को मैं लिखता हूं, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव सो एट द टाइम ऑफ इंटरचेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपरेटिव इट मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू नेगेटिव इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू अफर्मेटिव।
इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, चूंकि आपको मीनिंग बैलेंस करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मीनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो तत्काल देखिए, ही इज एज गुड एज राम, इसका मतलब होता है कि वो राम की इतना अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सेंटेंस के बारे में बताइए कि ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो चूंकि इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं है, तो आप बोलेंगे कि अफर्मेटिव है, तो हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देना पड़ेगा, राम इज नॉट। अच्छा, अब हमको थ्योरी फॉलो करना है, तो ई टू प्लस देन, तो गुड का ई टू क्या होता है, बेटर। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे देन, और फिर लगा देंगे ही। अदर सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम इज नॉट बेटर देन ही। अब देख लेते हैं इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच का जो मीनिंग है, यानी इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो लगभग बैलेंस है कि नहीं। अगर मीनिंग बैलेंस है तो इट्स ओके, अगर मीनिंग बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो ही इज एज गुड एज राम का मतलब क्या होता है, वो राम की इतना अच्छा है। और राम इज नॉट बेटर देन ही का मतलब क्या होता है, राम उससे अच्छा नहीं है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग क्या है, बैलेंस है। तो चलिए एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हम लोग चैप्टर पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन या फिर डिग्री या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री, तत्काल जिस टॉपिक पे हम कारण काम कर रहे हैं वो है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव को में चेंज करेंगे, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही लाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या फिर एज प्लस एवन प्लस एज होगा, या फिर सो प्लस एवन प्लस एज होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ए टू प्लस दैन का यूज करेंगे एज प्लस एवन प्लस एज और सो प्लस एवन प्लस एज के स्थान पर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आप जिस स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कि वो जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो हम उसे निगेटिव बना देंगे, अगर आपका स्टेटमेंट क्या है निगेटिव है तो हम उसे अफर्मेटिव बना देंगे। तत्काल ये आपका थ्योरी है, लेकिन जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखलाता हूं। इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। This time we are dealing with the chapter and the name of the chapter is degree of comparison or interchange of degree, and we are working on a special rule, a special theory, and that theory is considered to be interchange of positive and comparative. I have dealt with the theory regarding this topic. Now it's time to do a lot of practices. If you are not going to do a lot of practices, means your concept will not be 100% clear. So now let's do. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन मैं दिखलाता हूं। एक सेंटेंस है, ही इज नॉट एज गुड एज राम। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि राम को यहां ले लेना है, जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है तो कर दिया। अब वर्ब चाहिए तो राम के साथ क्या चाहिए, इज, तो मैंने लगा दिया। अब आप इस स्टेटमेंट को देखो और बताओ कि ये निगेटिव है कि अफर्मेटिव है, तो नॉट लगा हुआ है तो आप बोलोगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि अब हमको इसको अफर्मेटिव बनाना है, यानी कि नॉट को हटा देना है। अब हमारे पास एज प्लस एवन प्लस एज यहाँ पर है, यानी कि ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, तो हम इसे कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, तो हमको चाहिए ए टू, यानी ए टू के रूप में हमारे पास आ जाएगा बेटर, फिर लिखेंगे देन और फिर लिख देंगे ही। तो राम इज बेटर देन ही, आप मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। ही इज नॉट एज गुड एज राम का मतलब होता है कि राम की इतना अच्छा नहीं है, तो ही इज बेटर देन, राम इज बेटर देन ही, इसका मतलब कि राम उसे ज्यादा अच्छा। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग जो है वो लगभग क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एज टॉल एज यू। आप सबसे पहले देख लीजिए यहां पर ये चीज कीजिए, एज प्लस ए वन प्लस एज, जैसे ही आपको एज प्लस ए वन प्लस एज दिखाई देता है, यानी कि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, और आप इसको चेंज करके कहां पर ले जाएंगे, कंपेरेटिव में ले जाना, चूंकि अभी हम लोग उसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, तो चलिए सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा यू। अब यहां पर वर्ब एम है, यानी इज एम आर ग्रुप का वर्ब है, तो यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है आर। अब यहां पर आपको टॉल का क्या लिखना पड़ेगा, चौलर, फिर लिखना पड़ेगा दैन, चूंकि ए वन से ए टू चेंज करने में आपको ए टू प्लस दैन को फॉलो करना पड़ता है, यू आर चौलर, सॉरी। और ये सेंटेंस जो आपका ये क्या है, अफर्मेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पर एक लगाना पड़ता है नॉट, फिर टॉल का क्या हो जाता है कंपेरेटिव चौलर, फिर आपको लिखना पड़ता है दैन, और फिर आपको लिख देना पड़ता आई। आई एम एज टॉल एज यू, इसका मतलब मैं तुम्हारे इतना लंबा हूं। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, यू आर नॉट टॉलर देन आई, इसका मतलब तू मेरे से ज्यादा लंबा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई एम नॉट एज टॉल एज यू। जैसा कि आपको पता है कि एज टॉल एज यहां पर लिखा हुआ है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, तो हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में ले जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा यू, वर्ब यहां पर इज एम आर ग्रुप का है, तो यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता आर, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव इसलिए अफर्मेटिव बनाएंगे, तो नॉट को यहां से स्किप करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे टॉलर, फिर लिखेंगे देन और फिर लिख देंगे आई। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज एज ब्यूटिफुल एज गीता, फुल स्टॉप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, एंड हियर यू कैन आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट एज पॉजिटिव डिग्री, चूंकि आप यहां पर देख सकते हैं एज प्लस एन प्लस एज। जैसे ही आपको एज प्लस एन प्लस एज दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको कंपेरेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट को मैंने इंटरचेंज किया, यहां पर मैंने लिखा गीता। अब यहां पर जो वर्ब है वो इज एम आर ग्रुप का है, तो गीता के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। अब आप स्टेटमेंट को चेक कीजिए, यू शुड चेक दिस स्टेटमेंट और टेल मी ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम नेगेटिव बदलने नेगेटिव में चेंज करने के लिए नॉट लगा देंगे। अच्छा, ब्यूटीफुल, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि शब्द अगर एक सिलेबल का हो तो उसका अलग तरीका होता है, गुड बेटर बेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट फैट फैटर फैटेस्ट के प्रोसेस से आप उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन वर्ड का सिलेबल एक से ज्यादा हो तो मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। अब एक सवाल उठेगा कि मीनिंग बैलेंस हुआ कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। सी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता का मतलब क्या हुआ कि वो गीता कितना सुंदर है? जब हम इस सेंटेंस के मीनिंग पर जाते हैं तो गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी, इसका मतलब कि गीता उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इज नॉट so good as राधा, she is not so good as राधा। यहां पर आपके सामने स्टेटमेंट जो आ गया so good as है, ये तो आपको अच्छे से पता है। जैसे ही so plus a1 plus as आता है, ये so है, ये a1 है और as है, इसका मतलब आप समझ जाते हो कि पॉजिटिव है, और तत्काल हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज करना सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता है, तो राधा को इधर ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भर्ब इज एम आर ग्रुप का, इसलिए यहां पर इज लिखेंगे। अब स्टेटमेंट को चेक करना है कि स्टेटमेंट नेगेटिव है कि अफर्मेटिव, तो यहां पर नॉट का यूज किया गया, इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसलिए आप नॉट को यहां से स्किप करेंगे, तो क्या हो जाएगा? राधा इज, और गुड का क्या होता है? बेटर, और फिर क्या लिखेंगे? देन, और फिर क्या लिखेंगे? सी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन हालांकि अभी इट्स स्टार्टिंग, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें अनेकों काम करने, बहुत सारे काम करने हैं, तत्काल तो अभी ये शुरुआत है और सबसे पहले थ्योरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जितना आसान अभी आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री या फिर कंपेरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन लग रहा है, इतना आसान है भी नहीं। जैसे जैसे हमारा थ्योरी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा सेशन बढ़ता जाएगा, ये जो टॉपिक है ये हार्ड होता चला जाएगा। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कीजिए। मैं अभी कई सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, आई बिलीव दैट इफ यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सर्टेनली यू विल गेट योर कंसेप्ट 100% क्लियर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर। सो टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। तो तत्काल आप देख रहे हैं कि अभी जिस थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको पॉजिटिव से कंपेरेटिव की तरफ ले चल रहा हूं। ठीक थोड़ा देर बाद मैं कंपेरेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी आपको लाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन।
इज एज गुड एज रमेश, फुल स्टॉप। सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू चेक द डिग्री, आप इसके डिग्री को चेक कीजिए। तो एज प्लस इवन प्लस एज मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, चूंकि यहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। अब हम इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, तो चलिए सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रमेश। यहां पर बोलिए क्या लिखूंगा मैं, इज, चूंकि भर्ब जो है सो इज एम आर ग्रुप का है, रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो रमेश के साथ इज ही लगेगा, इज और के अलावा एम और आर तो लगेगा नहीं। अब आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो चूंकि स्टेटमेंट में कहीं भी नॉट का यूज नहीं किया गया है, फिर वैसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि नेगेटिव मीनिंग देता है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सेंटेंस क्या अफर्मेटिव। तो सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको एक नॉट लगाना पड़ता है, तो रमेश इज नॉट। अब चूंकि हम कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा गुड का बेटर, फिर लिखेंगे देन और फिर लिखेंगे ही। आप मीनिंग को चेक करके देख लो, आपको मीनिंग यहां पर बैलेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इज नॉट एज फैट एज, सी इज नॉट एज फैट एज गीता, फुल स्टॉप। अब सबसे पहले आप चेक कीजिए स्टेटमेंट को। जब स्टेटमेंट में आएंगे आपको पता चलेगा एज प्लस इवन प्लस एज, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि एज प्लस इवन प्लस एज जो है सो पॉजिटिव डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तत्काल हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव की तरफ ले जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो है वो आपको करना पड़ता है सब्जेक्ट में इंटरचेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गीता, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज, चूंकि वर्ब जो है सो इज एम आर ग्रुप का है। अच्छा, आप सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो नॉट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट सीम क्लियरली, इसका मतलब स्टेटमेंट इज नेगेटिव। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम जो यहां पर स्टेटमेंट बनाएंगे वो तो हमारा अफर्मेटिव होगा ना, तो नॉट को स्किप कर देंगे। फैट का कंपेरेटिव क्या होता है, फैटर, फिर लगाएंगे देन और फिर लगा देंगे सी। आप मीनिंग देख लो, बैलेंस है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दे आर एज पावरफुल एज अ किंग, दे आर एज पावरफुल एज अ किंग। आप यहां पर देखिए एज प्लस इवन प्लस एज पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको कंपेरेटिव में इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, तो चलिए इंटरचेंज करते हैं ए किंग, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, सॉरी, सबसे पहले तो इज लगेगा, चूंकि किंग इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इज का प्रयोग करेंगे। आप चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए इसको कंपेरेटिव में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तत्काल आप देख सकते हैं ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या, अफर्मेटिव को नेगेटिव में ले जाएंगे नॉट। अच्छा, पावरफुल, ये एक सिलेबल का वर्ड तो है नहीं, एक से ज्यादा सिलेबल का, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, किंग इज नॉट मोर पावरफुल देन दे। मीनिंग को देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बैलेंस है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट सो रिच एज ही, आई एम नॉट सो रिच एज ही। एक बार फिर आप यहां पर चेक कर लो, सो प्लस इवन प्लस एज। अब जैसे ही सो प्लस इवन प्लस एज आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव का मामला है। अब हम इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। द फर्स्ट प्रोसेस, हमें सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता है, तो चलिए सब्जेक्ट को इंटरचेंज किया, यहां पर लिखा मैंने ही। वर्ब हमारे इज एम आर ग्रुप का, इसलिए मैंने क्या लिखा, इज। अब यहां पर चूंकि नॉट है तो हमको नॉट रिमूव करना है, चूंकि आपको पता है कि अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो आप उसको नेगेटिव में ले जाते हैं और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में। तत्काल नॉट स्टेटमेंट में उपलब्ध है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में ले जाएंगे, तो नॉट को हटाएंगे और यहां पर लिखना पड़ेगा रीचर, यहां पर लिखना पड़ेगा देन और यहां पर लिखना पड़ेगा आई, ही इज रिचर देन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, My brother is as
स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज प्लस इवन प्लस एज, रिप्रेजेंटेटिव पॉजिटिव डिग्री. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंपेरेटिव. सबसे पहला है कि आपको सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं. यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ लायन इज लिखेंगे, चूंकि लायन सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब सिंगुलर चाहिए. इस स्टेटमेंट को देख लो, ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा. नॉट स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर. फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन, और फिर क्या लिखेंगे, माई ब्रदर. कितना आसान है ये चैप्टर आपको लग रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है. अभी मैं आसान आसान क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स वाई इट लुक्स वेरी सिंपल. इट विल बिकम वेरी हार्ड जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा. तत्काल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार देख के प्रैक्टिस कीजिए. आगे मैं कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाला, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई एम गोइंग टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट गुड टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस ओनली. अगर आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हाउ विल यू लर्न हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. अभी मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ. आप अक्सर वैसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जिस मैं टेक्निकल क्वेश्चन पे काम करने जा रहा हूँ, आप अगर उसको देखेंगे समझ जाएंगे तो आने वाले किसी भी समस्या का आप आसानी से सामना कर सकते हैं. मीन्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू विल हैव नो ट्रबल, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखने में आपको सिंपल ही लगेगा. राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर. इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. यू हैव टू अप्लाई ट्रिक्स और टेक्निक्स हियर, अदरवाइज यू कैनॉट सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह समझने वाली है कि इसमें ट्रिक्स क्या है और इसमें टेक्निक्स क्या है. देखिए सबसे पहले आप जैसे मैंने बताया कि कैसे इसको इंटरचेंज करेंगे, मैं वैसे इंटरचेंज कर देता हूँ. तो तत्काल तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, चूंकि एज प्लस इवन प्लस एज है, तो आप सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे. तो चलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया. यहाँ पर मैंने लिख दिया हिज ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं. फिर आप बोलेंगे कि इज लिख दीजिए, मैं वो भी तैयार हूँ लिखने के लिए. इज मैंने लिख दिया. फिर आप बोलेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें आप नॉट लगा दीजिए. जी बिल्कुल मैं लगा दूंगा. फिर आप बोलेंगे कि आप यहाँ पर लिख दीजिए टॉलर, मैंने लिख दिया. फिर आप बोलेंगे देन लिख दीजिए, मैं वो भी लिख दूंगा. और फिर आप बोले राम, मैं लिख दूंगा. लेकिन ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट. भाई क्या मिस्टेक हो गया, ये समझने वाली बात है. आप देख सकते हैं, आप गौर से देखिए, आपको लगेगा कुछ ना कुछ कहीं तो मिस्टेक हो. मैं बताता हूँ मिस्टेक हो क्या गया. सेंटेंस राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, इसका मतलब होता है कि राम अपने भाई के इतना, राम अपने भाई के इतना लंबा है. मतलब जितना उसका भाई लंबा है उतना ही राम लंबा है. ठीक है, अब जब आप इंटरचेंज करेंगे तो जो स्टेटमेंट आएगा उसका मीनिंग बैलेंस होना चाहिए. तो यहां पर मैंने बना दिया कि हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन राम, इसका मतलब कि उसका भाई जो है सो राम से ज्यादा लंबा नहीं है. अब एक सवाल यहां पर उठेगा, उसका भाई कहने का मतलब किसका भाई, इट्स अ बिग क्वेश्चन हियर. उसका भाई राम से ज्यादा लंबा नहीं तो किसका भाई. तो एक बात आप जान लीजिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट जैसे राम हमने यूज किया तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, तो सबसे पहले जब हम नाउन यूज कर देते हैं तो फिर जाकर के हम आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का यूज करते हैं. यहां पर पहले ही पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो गया और नाउन इधर आ गया, ये थोड़ा सा क्लियर मीनिंग नहीं देगा, इसलिए आप ऐसे इसको नहीं बनाए. द क्वेश्चन कम्स हाउ टू सॉल्व इट, वेरी इजी है. जैसे राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, मतलब राम जो है अपने भाई की इतना लंबा है. चलिए जब इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या बनाना है, देखिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हिज ब्रदर के जगह पर राम्स ब्रदर. क्या लिखना पड़ेगा, राम्स ब्रदर इज नॉट टॉलर देन, और राम्स ब्रदर यहां पर लिख चुके हैं, यानी राम आप यहां पर लिख चुके हैं, तो अब यहां पर राम लिखने की जरूरत नहीं. आप यहां पर क्या लिखेंगे, ही, जो कि प्रोनाउन है. तो राम्स ब्रदर इज नॉट टॉलर देन ही का मतलब क्या हो गया, राम का भाई जो है उससे लंबा नहीं है. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने इतने प्रकार से आएंगे कि आप कंफ्यूज कर जाओगे. जैसे एक सेंटेंस मैं दिखाता हूं, जैसे एक सेंटेंस देख लो, मोहन इज एज फैट एज हिज ब्रदर.
ठीक है, इट्स ओके। इसको अगर आप इस प्रकार से बनाओगे, मान लीजिए हिज ब्रदर इज नॉट फैटर देन मोहन, तो मैंने बताया कि ये गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। अब करना क्या है कि इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे, मोहन्स ब्रदर इज नॉट फैटर देन ही, इट इज द राइट प्रोसेस, ये इसका सही प्रोसेस है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर होगा सो देखिए, जैसे एक सेंटेंस आ गया, मान लीजिए मोहन इज एज फैट एज माई ब्रदर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मोहन है और यह माई है, यहां पर मोहन है और यहां पर क्या हिज है। अब सवाल उठेगा कि क्या इस प्रकार से ही कुछ इसमें करना पड़ेगा, तो नहीं। एक्चुअली यहां पर हिज क्या है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो मोहन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए मोहन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, या फिर मोहन का जो प्रोनाउन आएगा, तो पहले मोहन यूज होगा, उसके बाद उसके पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में माई ब्रदर है, तो माई जो है सो मोहन का तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो यहां पर वो बाउंडेशन नहीं रहेगा। यानी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आएगी तो आप आसानी से बना लेंगे, माई ब्रदर इज नॉट, माई ब्रदर इज नॉट फैटर देन मोहन, माई ब्रदर इज नॉट फैटर देन मोहन, आप ऐसे करके बना लेंगे। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करूंगा ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या करना है, इट्स योर डिसीजन, इट विल बी योर डिसीजन, या आपका डिसीजन होगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा डील करूंगा ताकि अगर आपका सामना ऐसे क्वेश्चन से हो तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, बिकॉज द चैप्टर इज गोइंग ऑन दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ कंपेरिजन और इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नो डाउट इट्स ए स्मॉल चैप्टर, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल चैप्टर, इम्पॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि चाहे आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे हर प्रकार के चैप्टर्स पे आपका कमांड होना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर सॉल्व करके दिखलाता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है मान लीजिए सीता इज एज टॉल एज माई मदर। अब सबसे पहले देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सीता, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माई। तो आप मुझे बताइए कि क्या सीता का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, नहीं, सीता का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर, और माई जो है वो तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये सीता का पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि माई सीता का पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, तो ये बाउंडेशन यहां पर नहीं है कि नाउन के पहले पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव या प्रोनाउन को कैसे लिखें। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, माय मदर इज नॉट टॉलर देन सीता, और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर सेंटेंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, सीता इज एज टॉल एज हर मदर, तो फिर बात कुछ और है। अब इस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे आप यहां पर नहीं लिख सकते हो हर मदर इज नॉट टॉलर देन सीता, डू यू नो व्हाई, क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। भाई कंफ्यूजन क्या है समझ लेते हैं, सीता इज एज टॉल एज हर मदर का मतलब क्या हुआ कि सीता अपने मां की इतना लंबी है। अब यहां पर आएगा कि उसकी मां जो है वो सीता से ज्यादा लंबी नहीं है, उसकी मां कहने का मतलब किसकी मां, देयर इज ए कंफ्यूजन हियर। तो आप ऐसे सेंटेंस में इस प्रकार से न जाएं, सवाल उठेगा कि कैसे जाएं, तो आप ऐसे सेंटेंस में इस प्रकार से जाएं, सीताज मदर इज नॉट टॉलर देन सी, आप ऐसे जाएंगे ना तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बेटर होगा। एक टेक्निकल पॉइंट पे और मैं चर्चा करूंगा, टेक्निकल पॉइंट क्या है, सो देखिए जैसे हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि आपके पास दो पैटर्न है, या फिर एज प्लस
एवन प्लस एज, और एक पैटर्न होता है सो प्लस एवन प्लस एज, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एज प्लस एवन प्लस एज जो है इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। एज प्लस एवन एज का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं, अफर्मेटिव, और आप इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं, निगेटिव। लेकिन ये जो सो प्लस एवन प्लस एज है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपको कहां करना पड़ेगा, निगेटिव में करना पड़ेगा। ये रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, ही इज एज गुड एज आई, ये सेंटेंस सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने एज गुड एज आई का प्रयोग किया और ये स्टेटमेंट क्या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव इसलिए क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं किया गया, मींस द स्टेटमेंट इज राइट। आप इसको निगेटिव में भी ले सकते हो, ही इज नॉट एज गुड एज आई, भी आप लिखोगे इट्स ओके। यानी कि मैं बताना चाहता हूं ये जो आपका पैटर्न है एज प्लस इवन प्लस एज, आप जब भी इस पैटर्न को यूज करें, यानी जब भी आपको कोई पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट लिखना पड़े और बोलना पड़े, तो आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दो दो ऑप्शन रहते हैं। आप अफर्मेटिव में भी इस पैटर्न से जा सकते हैं और निगेटिव में भी इस पैटर्न से जा सकते हैं, लेकिन व्हेन द मैटर कम्स टू दिस पैटर्न, लेकिन जब इस पैटर्न की बात आती है तो देखिए क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस है ही इज सो गुड एज आई, ये लिखना गलत हो जाएगा, आपको क्या जाना पड़ेगा, तो ही इज नॉट सो गुड एज आई। यानी आप एक ही बात अपने दिमाग में रखो, एक बात समझो कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है और स्पेशली जब ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करने पड़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन होता है एज प्लस एवन प्लस एज और दूसरा ऑप्शन होता है सो प्लस एवन प्लस एज। अब सवाल उठेगा कहां पर सो प्लस एवन प्लस एज का यूज करो और कहां पर सो प्लस एवन प्लस, सॉरी कहां पर एज प्लस एवन प्लस एज का यूज करो और कहां पर सो प्लस एवन प्लस एज का यूज करें। तो एज प्लस एवन प्लस एज का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो और नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो, और सो प्लस एवन प्लस एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव स्टेटमेंट में करोगे। एक दो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, सेंटेंस लिखूंगा, और आप उस सेंटेंस के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट। चूंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें आपका एक पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है। चूंकि आपको करना क्या होता है कि जब भी कुछ लिखना और बोलना पड़ता है तो आप इस चैप्टर की थ्योरी को डायरेक्ट यूज करोगे। तो जैसे ही आप इस चैप्टर की थ्योरी को डायरेक्ट यूज करोगे और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर नहीं रहता है या फिर आप करेक्ट चीजों को यूज नहीं करोगे तो उसका इंप्रेशन जो होता है सो बैड होता है। सो टू मेक योर इंप्रेशन बैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन हैज टू डू दैट इज करेक्शन। यू हैव टू कीप योर 100% अटेंशन योर करेक्शन। अगर आप करेक्शन पर ध्यान नहीं देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और सेंटेंसेस के माध्यम से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे सामने एक सेंटेंस है, यानी आपके सामने एक सेंटेंस है, मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश। सेकेंड स्टेटमेंट देख लीजिए, मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रमेश। कम टू द थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाइए आप, मोहन इज सो इंटेलिजेंट एज रमेश। आप फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाइए, मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रमेश। अब आप मुझे बता सकते हो को इस जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं तत्काल आपके पास फोर सेंटेंसेस है, विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट। तो देखिए मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि एज प्लस एवन प्लस एज प्लस एवन प्लस एज की थ्योरी को आप अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों जगह पर यूज कर सकते हो। मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रमेश, ये भी सही है, चूंकि यहाँ पर ये निगेटिव है और निगेटिव में आप एज प्लस एवन प्लस एज से जा सकते हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपका आया मोहन इज सो इंटेलिजेंट एज रमेश, ये गलत है, इट्स इनकरेक्ट। जानते हो क्यों इनकरेक्ट है, चूंकि यहाँ पर जो थ्योरी यूज किया गया सो प्लस एवन प्लस एज, और मैंने आपको बताया कि सो प्लस एवन प्लस एज का आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट में यूज करोगे, अफर्मेटिव में यूज तो करोगे नहीं, तो इट्स रॉन्ग। अब मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रमेश, ये सेंटेंस पर क्या है, सही है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, इस चैप्टर का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या फिर आप इसको सीधे डिग्री बोलिए या फिर आप इंटरचेंज ऑफ डिग्री बोलिए।
ये चैप्टर छोटा जरूर है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आवश्यक है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखें। तो आज इसका फर्स्ट क्लास था, यानी कि फर्स्ट सेशन था। इसके सेशंस मैं अपलोड करता रहूंगा, कई सारे सेशंस अपलोड होंगे, और मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर आप सारे सेशंस को केयरफुली देखेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को सीखने से आपके कई सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरा आप अगर इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं तो दिस चैप्टर हेल्प्स यू अ लॉट, आपको ये चैप्टर काफी मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।